नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आप YouTube चैनल टेक्निकल आलोक जी में, और मैं हूं आपका होस्ट आलोक। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से YouTube क्रिएटर स्टूडियो को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी इफ़िशियंट और बेनिफिशियल होता है YouTube क्रिएटर के लिए। तो ज़्यादा टाइम दोस्तों आपका ना लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही टेक्नोलॉजी और रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि आपको क्रिएटर स्टूडियो कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अभी तक आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करिए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आपको इसमें टाइप करना है क्रिएटर स्टूडियो। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, पहले नंबर पे YouTube स्टूडियो। तो आपको यही 4.3 इसकी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, 10 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। आप इसको दोस्तों ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसके ये टाइम लाइन पर ऐसा आ जाएगा, जो भी चैनल आप इसमें लिंक किए रहेंगे दोस्तों आप इसमें आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको ये एनालिटिक दिखाएगा कि आप इसमें लास्ट टाइम आपको कितना है, व्यूज़ कितने आए हुए हैं, लास्ट 28 डेज़ के सब्सक्राइबर कितने आए हैं, कितने गए हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप इसमें लेफ़्ट साइड में ये 3 हॉरिजॉन्टल की पे की करके प्रेस करके दोस्तों आप इसको देख सकते हैं कि उसमें डैशबोर्ड मिल जाएगा, यूट्यूब का वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने वीडियो अभी तक आपने अपलोड किए हैं सब आप इसमें खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, आप इसमें कमेंट्स भी आप इसमें पढ़ सकते हैं बहुत ईजी से, उसकी रिप्लाई भी कर सकते हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये सब चीज़ तो आपको वीडियो तो यूट्यूब के ऐप में मिल जाएगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों कि आप इसमें कोई वीडियोस को बहुत ही आसानी से दोस्तों ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं, ये इसमें नया फीचर है दोस्तों यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में। आप इसको यहाँ से क्लिक करिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप इसके थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों, इसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स आप इसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्रिएटर के लिए यूट्यूब के। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप इसमें इसको सब कुछ अपना एडिट कर सकते हैं जो कि आप यूट्यूब से, यूट्यूब के जो वीडियो होता है, ऐप होता है, माफ़ कीजिएगा, उस ऐप से आप नहीं कर सकते थे। आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती थी तो आप लैपटॉप ना टच करके, बिना ओपन, बिना छुए हुए लैपटॉप के आप अपने मोबाइल से ही सब कुछ इसमें कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको आइए आपको बताते हैं कि आप इसमें एनालिटिक देख सकते हैं। एनालिटिक का मतलब दोस्तों कि आपको लास्ट 28 डेज़ में कितने मिनट आपके चैनल पे व्यूज़ आए हैं, कितने मिनट देखा गया है दोस्तों, आप इसमें सब देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसमें व्यूज़ पे जब क्लिक करेंगे आप यहाँ से, तो आपको ये लास्ट 28 डेज़ का दिखाएगा। अगर आप इसको चाहें तो आप लास्ट 60 मिनट, 7 डेज़, लास्ट 90 डेज़, लाइफ टाइम का भी देख सकते हैं कि आपके टोटल लाइफ टाइम इस चैनल पे कितने मिनट देखा गया है इस चैनल को। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मिनट में बताएगा, आप इसको आवर्स में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कितना आवर्स आपके चैनल पे देखा गया है अभी तक। इसमें आप ओवरव्यू देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यूट्यूब पे सर्च कितना देखा गया है, एक्सटर्नल या कहाँ कहाँ से आपके चैनल पे व्यूज़ आए हुए हैं, ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और नया दिखेगा दोस्तों। गूगल सर्च से कितना आपका वीडियो चल रहा है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस चैनल, किस वीडियो पे आए हुए हैं। आप ऑडियंस चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो कौन देख रहा है दोस्तों, मेल देख रहा है कि फ़ीमेल, आप उसी के हिसाब से अपना कंटेंट डालिए। आपको इसमें एज मिल जाएगा दोस्तों कि आपको कौन सी पर्टिकुलर एज देख रही है आपकी वीडियो। जैसे 13-17 साल के बीच में इस चैनल पे 8.1% व्यूज़ आए हुए हैं, जो कि 18 से 24 साल 51% देख रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी स्ट्रांग चीज़ है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रख के वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी आप ऊपर जाएंगे और हाईलाइट होंगे दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं टॉप कंट्रीज़, मतलब आपके कहाँ पे वीडियो सबसे ज़्यादा किस देशों में देखे जा रहे हैं। तो इस चैनल पे दोस्तों देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 43.1%, इंडिया में 32.5, गाना में 22.5, इटली में, सऊदी अरेबिया में ये व्यूज़ आए हुए हैं काफ़ी मात्रा में दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में आए हैं। आप आसानी से अपने चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें प्लेलिस्ट,
इंटरैक्टिव कंटेंट, काफ़ी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी दोस्तों। आप इसको इस्तेमाल करिए, हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों यूट्यूब क्रिएटर के लिए। बिना आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी को टच किए हुए इसमें सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट दे सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों इस अभी तक आपने ये वीडियो पसंद किया है तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों इस वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ टेक्निकल आलोक जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर रोजाना टेक्नोलॉजी नॉलेजफुल वीडियोज़ दोस्तों लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।